नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। घर में समोसे बनाना बहुत ही आसान है, बस हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए समोसे बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े बाउल में सबसे पहले हम ले लेंगे एक कप मैदा, और मैदे के साथ हमें डालना है नमक। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ी कम अजवाइन ली है मैंने। और अब सबसे पहले इसमें हमें ऑयल डालना होगा, तो यहाँ लिया है 1/4 कप से थोड़ा कम ऑयल, और इसको आटे में डाल देंगे। और अब सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे उंगलियों से। तो जब आप इस तरह से इसको मिक्स करेंगे तो देख सकते हैं, जब हम आटे को इकट्ठा कर रहे हैं तो वो इस तरह से इकट्ठा हो पा रहा है। इसका मतलब हमारा आटे में तेल बिल्कुल सही क्वांटिटी में डला है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें आटा लगाना है पानी से। तो यहाँ पर मैंने बहुत हल्का गर्म पानी ले लिया है, 1/4 कप ही पानी लिया है मैंने। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और गूंथते जाएंगे आटे को, क्योंकि हमें बहुत टाइट आटा गूंदना है यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं यूज़ होगा। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही मसल मसल कर अच्छे से आटा गूंद कर तैयार कर लीजिए। 1 कप हमने मैदा लिया था और 1/4 कप पानी, और 1/4 कप पानी में से 1 टेबल स्पून जितना पानी यहाँ पर बच गया है। तो जितना आप अच्छे से मसल सकते हैं इसको उतना अच्छे से मसल कर तैयार कर लीजिए। बाकी अभी हम इसको गीले कपड़े से ढक कर के रख देते हैं लगभग 20 से 30 मिनट के लिए, और फिर बाद में हम इसको और मसल मसल के अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए अभी हम बना लेते हैं समोसों की स्टफिंग। तो यहाँ पर मैंने गैस पर रख ली है एक कढ़ाई, इसमें हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून जितना ऑयल, और ऑयल के गर्म होते ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1/2 टीस्पून जितना साबुत धनिया, और साथ ही में हम डाल देंगे 1 टीस्पून जितना ज़ीरा, और जीरे के साथ ही जाएगा यहाँ पर हींग पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है। और अब हमें डालना है अदरक और हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके रखी हैं, और 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा भी मैंने बारीक चॉप करके रखा है। दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे, एक बार मिक्स करेंगे। और अब हमें इसमें आलू डालने हैं उबले हुए। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू उबाल करके रख लिए हैं छील के। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि आलू को हम ग्रेट करके बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो इस तरह से आलू को आप अपने अंगूठे से दबा दबा कर डाल दीजिए, क्योंकि हमें आलू को बहुत बारीक नहीं यहाँ पर रखना है, यानी कि बहुत पीसना नहीं है अच्छे से, थोड़े से हमें मोटे पीसेस भी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने हाथों से ही दबा दबा कर आलू को इसमें डाल दीजिए। और अब सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने 1/4 टीस्पून ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। 3 से 4 टीस्पून धनिया पाउडर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, क्योंकि धनिया पाउडर का फ्लेवर समोसे में बहुत अच्छा आता है। आप मार्केट में भी खाते होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा खूब सारा धनिया पाउडर डाला हुआ होता है। और साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून जितना गरम मसाला, और लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू का रस ले लीजिए, लेकिन खटाई इसमें ज़रूर डालना। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करते हुए आप थोड़ा थोड़ा आलू को मैश करते रहिए। तो लगातार इस तरह से आलू को थोड़ा थोड़ा दबाते हुए सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। तब तक हमारे मसाले भी अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो जाएंगे और थोड़े से भून भी जाएंगे। तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, आलू हमारे तैयार है। लास्ट में यहाँ पर हम डाल देंगे लगभग 2 टेबल स्पून जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारी स्टफिंग तैयार है, पर हमें इसे यूज़ करना है जब ये ठंडी हो जाएगी, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो आप इन आलू को एक प्लेट में निकाल करके रख लीजिए,
और अब चलते हैं हम आटे की तरफ। तो आटा हमने गूंद के तो रख दिया था पर अच्छे से तैयार नहीं किया था। और अगर आप समोसे बनाने के लिए मैदे का आटा गूंद रहे हैं तो हमें इसको बहुत अच्छे से गूंदना होगा। तो लगभग 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से लगातार मसल मसल के तैयार कर लीजिए जिससे कि ये स्मूथ हो जाए। और क्योंकि थोड़ा सा टाइट आटा है तो आपके हाथ तो थोड़े से थकने वाले हैं, लेकिन अगर घर पे समोसे बना के खाने हैं तो थोड़े से हाथ दुखाने तो बनते हैं। तो आटा मैंने मसल के तैयार कर लिया है अच्छे से कूद करके। और यहाँ अब हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रख लीजिए और चलिए अब तैयारी करते हैं समोसों को बनाने की। तो अभी सबसे पहले एक पेड़ी बना लेंगे जैसे कि हम रोटी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, पर थोड़ी सी बड़ी पेड़ी मैंने यहाँ पर ली है। तो इसको हम बिल्कुल रोटी की तरह अच्छे से बेल लेंगे। तो शुरू में तो गोलाई में ही बेलिए और फिर उसके बाद इसको इस तरह से ओवल शेप दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी मोटाई इतनी रखी है। तो आप इसको पतला ही बेलना क्योंकि जैसे ही आप इसको इधर से उठाओगे तो ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाता है। तो आप जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लो और फिर उसके बाद जब हम इसको उठाएंगे तो ये थोड़ा सा श्रिंक तो हो ही जाएगा। और बेलने के बाद आप इसको दो पार्ट्स में कट कर लीजिए। और अब हम इसमें से दो समोसे बनाएंगे। तो आप इसको या तो चाकू की हेल्प से या फिर कटर से इस तरह दो पार्ट्स में काट दीजिए और इसकी सारी तरफ इस तरह से हल्का हल्का पानी लगा दीजिए जिससे कि स्टिक करने में आसानी हो हमें। दोनों कोनों को उठा करके इस तरह एक साथ ले आएंगे और हल्का सा हाथों से इस तरह दबा दीजिए जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब आप देख सकते हैं ये कोन की शेप में आ गया है। तो अब हमें इसमें स्टफिंग भरनी है। तो सिर्फ एक से डेढ़ से दो टेबलस्पून जितना स्टफिंग ही हम इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने समोसों को बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाया है। अगर आप बहुत बड़ा सा बना रहे हैं, अगर आपने पेड़ी रोटी को ज़्यादा बड़ा बेला था तो आप थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग डाल सकते हैं, पर इसको ओवरफिल हम नहीं करेंगे। और इस तरह स्टफिंग डालने के बाद हल्का सा प्रेस कर दीजिए आलू को और फिर नीचे से स्टिक कर दीजिए। तो इस तरह से देख सकते हैं हम बिल्कुल मार्केट की तरह हमारे समोसों की शेप आ चुकी है। नीचे से इनको बहुत अच्छे से दबाना और ऊपर से भी हल्का सा हम प्रेस कर देंगे। और इस तरह से सारे समोसों को तैयार करके प्लेट में रख लेंगे। और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था पहले ही गर्म होने के लिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें समोसों के लिए बहुत ज़्यादा तेज गर्म तेल नहीं चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पर हम तेल को गर्म करेंगे और समोसे तलने के लिए भी हम फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम समोसों को कभी नहीं फ्राई करते हैं। तो इस तरह से जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो आप 4 से 5 समोसे एक बार में बना सकते हैं। तो समोसे हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखा है और लास्ट तक हम फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो बीच बीच में चलाते हुए हम इनको लगभग इनको फ्राई करने में 8 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे क्योंकि जैसा कि मैंने कहा तेल बहुत हल्का ही गरम लिया है हमने, तो थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी। तो इनको बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि ये हर तरफ से बिल्कुल एक जैसे सिक जाएँ और इनको बिल्कुल क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मेरे समोसे तो यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप भी इनको जल्दी से घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके घर में समोसे कैसे बने। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल जीना इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपके पास मेरी हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँचे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ।